मैं हमीरदेव चौहान बोल रहा हूं। मैं वही हमीरदेव हूं जिसने मुगलों को दांतों तले चने चबवा दिए थे। मैं वही पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूं जिसने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोरी को 16 बार धूल चटाई थी। मैं राजस्थान का वो वीर शासक हूं जिसे आज भी मेरी वीरता और हठ के लिए याद किया जाता है। मैं वही हूं जिसने उस समय के तत्कालीन दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को 2 बार हराया और 3 महीने तक जेल में कैद रखा। मैं भी मेरे पूर्वजों के पद चिन्हों पर चला और मेरे जीते जी कभी मुगलों को रणथंभौर पर अधिकार नहीं करने दिया। मैं उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक रहा। आप मेरे भुजबल का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किसी भी मदमस्त हाथी के सर पर एक बार में उसका सर धड़ से अलग करने की क्षमता रखता था। मैं वही हमीर देव हूं जिसकी वीरता पर राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्रंथ लिखे गए। मैंने मेरे जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े जिसमें से मुझे 16 युद्धों में सफलता प्राप्त हुई। सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात सिंह एक ही बार संतान को जन्म देता है। सज्जन लोग बात को एक ही बार कहते हैं। केला एक ही बार फलता है, स्त्री को एक ही बार तेल एवं उबटन लगाया जाता है, अर्थात उसका विवाह एक बार ही होता है। ऐसे में ही राव हमीर का हट है, वह जो ठानते हैं उस पर दोबारा विचार नहीं करते। मेरा जन्म 7 जुलाई 1272 को राजस्थान के प्रसिद्ध वीर सपूत पृथ्वीराज चौहान के वंश में हुआ था। मेरे पिता का नाम जैत्र सिंह तथा माता का नाम हीरादी था। अब आपके मन में यह ख्याल भी रहा होगा कि पृथ्वीराज तो अजमेर और दिल्ली के राजा थे, तो मैं रणथंभौर में पैदा हुआ और पृथ्वीराज का वंशज कैसे हो सकता हूं। तो मैं आपको थोड़ा मेरे जन्म से पीछे की ओर लेकर चलता हूं जिससे आप समझ जाओगे कि मैं कैसे पृथ्वीराज चौहान के वंश का हूं। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज को अजमेर छोड़ने पर विवश कर देता है और गोविंदराज अजमेर से पीछे हटते हुए रणथंभौर पर अपना शासन कायम करते हैं। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज चौहान को माना जाता है। गोविंदराज चौहान के बाद यहां पर कई शासक शासन करते हैं। गोविंदराज चौहान के उत्तराधिकारी वलनदेव, प्रहलदन, वीर नारायण, बाघभट्ट, जैत्र सिंह हुए और यही जैत्र सिंह मेरे पिता हैं। मुझसे बड़े मेरे पिता के 2 और पुत्र थे। 3 पुत्रों में सबसे प्रतापी वीर और शक्तिशाली पुत्र मैं ही था। मेरे पिता ने अपने जीवन काल में ही मेरी वीरता को देखते हुए अपना उत्तराधिकारी मुझे घोषित कर दिया था। मेरा राज्य अभिषेक 1282 में रणथंभौर के दुर्ग में हुआ। राजा बनते ही मैंने रणथंभौर के छोटे से क्षेत्र में अपने साम्राज्य को कोटा, बूंदी, चित्तौड़ और वर्तमान जयपुर तक अपने राज्य का विस्तार कर दिया था। जब दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी का शासन था तब रणथंभौर में मेरा शासन था। आपको बता दूं, दिल्ली और रणथंभौर के बीच युद्ध चौहान वंश की रणथंभौर में स्थापना से होने से ही शुरू हो गए थे। जब रणथंभौर में वीर नारायण का शासन था तब दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में इल्तुतमिश को मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद भी दिल्ली और रणथंभौर के बीच में एक दूसरे की शक्ति और भुजबल का परीक्षण होता रहा और इन परीक्षण में रणथंभौर के शासक कहीं भारी सिद्ध हो रहे थे। जब दिल्ली पर जलालुद्दीन खिलजी का शासन था तब जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 1290 में आक्रमण किया। इस आक्रमण का मैंने बड़ी सूझबूझता से जवाब दिया और जलालुद्दीन असफल रहा और अपने मरते हुए मुस्लिम सैनिकों को देखकर उसने रणथंभौर के दुर्ग के बारे में कहा कि मैं से 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसा कहना जलालुद्दीन की सबसे बड़ी असफलता थी। अब आप ही सोचिए, अगर वह इस दुर्ग को इतना समझता ही नहीं था तो वह इस दुर्ग पर आक्रमण करने ही क्यों आया। ये तो भाई बात हो गई कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कुछ समय बाद ही जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे, या कह दे कि उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन का वध करके अपने को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनते उसने विस्तारवादी सोच और इस्लाम के प्रचार का जिम्मा उठाया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर व अन्य मंदिरों के कुछ अवशेष और लूटी हुई धनराशि अपने साथ दिल्ली ले जा रहे थे, तब अलाउद्दीन खिलजी की
सेना के सेनानायक उलग खां और नुसरत खां के दल सैनिकों के बीच खजाने की राशि को लेकर विवाद हो गया और इस विवाद के चलते मंगोल मोहम्मद शाह और कहबू ने खजाने का महल लूटकर सैनिकों के साथ मेरी शरण में आ गए। जब दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी को यह सूचना मिली कि मंगोल मोहम्मद शाह और कहबू खजाने को लूटकर रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के यहां शरण ले रखी है तो अलाउद्दीन ने मुझे अपने दुश्मनों को लौटाने के लिए कहा, परंतु मैं शरणागत की रक्षा करना और अपना वचन और धर्म समझता था, इसलिए मैंने साफ तौर पर मना कर दिया और यही मेरे और अलाउद्दीन के बीच संघर्ष का कारण बना। जब यह समाचार अलाउद्दीन को पता चला तो दुश्मनों को लौटाने से हमीरदेव चौहान ने मना कर दिया है तो अलाउद्दीन ने आक्रमण करने का निश्चय किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनानायक उलग खां और नुसरत खां को आक्रमण करने के लिए भेजा। अलाउद्दीन की सेना ने बनास की घाटी में अपना बसेरा डाला। जब इस बात की सूचना मुझे लगी तो मैंने दो सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह को तुर्क सेना का दमन करने के लिए भेजा। दोनों सेनाओं का आमना सामना हिंदूवाट घाटी में हुआ। इस आक्रमण में मेरी सेना ने मुस्लिम सैनिकों के छक्के छोड़ा दिए। मुस्लिम सैनिक तितर बितर होकर इधर उधर भागने लगे। मुस्लिम सैनिकों ने भागकर अपनी जान बचाई और इस युद्ध में मेरी सेना विजयी हुई और तुर्की सेना के खजाने को लूट लिया गया और तुर्क सेना को भागने पर विवश कर दिया गया। धर्म सिंह खजाने को लेकर वापस रणथंभर की ओर बढ़ रहे थे, परंतु दुर्भाग्यवश भीम सिंह का सामना फिर से तुर्क सेना से हुआ, जिसमें भीम सिंह लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। धर्म सिंह लूटा हुआ खजाना लेकर जब रणथंभौर दुर्ग पहुंचे और मुझे इस बात का पता चला कि भीम सिंह वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, तब मैंने धर्म सिंह को दोषी मानते हुए उन्हें अपनी सेना से हटा दिया और धर्म सिंह के छोटे भाई भोजराज को धर्म सिंह की जगह नियुक्त कर दिया। और इधर दूसरी तरफ पहले आक्रमण में हार का सामना करने के बाद तुर्की सेना वापस दिल्ली लौटी, तब उसको अलाउद्दीन के समक्ष जलील होना पड़ा। पहली हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरी बार फिर आक्रमण करने के लिए अपने सेनानायक उलग खां और नुसरत खां को आक्रमण करने के लिए पुनः भेजा। जब इस बात की सूचना मुझे लगी कि तुर्क सेना दोबारा आक्रमण करने के लिए आ रही है तो मैंने अपने भाई वीरम चौहान, सेनाध्यक्ष रतिपाल और मंगोल शरणार्थी मोहम्मद शाह को तुर्क सेना का दमन करने के लिए भेजा और इस आक्रमण में मेरे भाई की सेना पुनः विजयी हुई। लगातार दूसरी असफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी गुस्से से तिलमिला उठा था। अलाउद्दीन खिलजी की लगातार हो रही हार और असफलता से परेशान हो गया और उसने पुनः अपने सेनानायक उलग खां और नुसरत खां का एक विशाल सेना के साथ आक्रमण करने के लिए भेजा। जब तक सेना ने दुर्ग पर आक्रमण किया तब तक मैंने जहैन के दुर्ग की सुरक्षा का जिम्मा गुरदास सैनी को दे रखा था, परंतु गुरदास सैनी दुर्ग की रक्षा करने में सफल रहे और इस बार तुर्क सेना जहैन के दुर्ग को जीतने में सफल हुई। अब अलाउद्दीन की सेना जहैन के दुर्ग को अपने अधिकार में ले चुकी थी। जहैन के दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, अर्थात रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए सबसे पहले जहैन दुर्ग पर अधिकार करना आवश्यक होता है और रणथंभौर की कुंजी अब तुर्कों के हाथ में थी। अब तुर्क सेना ने जहैन के दुर्ग पर अधिकार किया, तब मैं कोटिग्या यज्ञ कर रहा था, इसलिए गुरुदास सैनी को सहायता देने में मैं स्वयं नहीं जा पाया। जहैन के दुर्ग पर अधिकार करने के बाद उलग खां और नुसरत खां ने अपना एक दूत मेरे पास रणथंभौर भेजा और कई शर्तों के साथ अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करने की बात रखी, परंतु मैं इन सब बातों को स्वीकार करा और युद्ध करने का आह्वान किया। अब अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक उलग खां और नुसरत खां जहैन दुर्ग से अपनी सेना लेकर रणथंभौर के दुर्ग को घेर लेते हैं। दुर्ग के अंदर से मेरी सेना ने आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए और इस गोला बारूद के आक्रमण से अलाउद्दीन का सेनानायक नुसरत खां मारा गया। नुसरत खां के मरते ही अलाउद्दीन की सेना में खलबली मच गई और सैनिक युद्ध मैदान से भागने लगे। ये तीसरी बार था जब मुस्लिम सैनिक अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। खबर दिल्ली तक पहुंच चुकी थी कि हमीरदेव चौहान ने दुर्ग से गोला बारूद बरसाने शुरू किए और इस आक्रमण में सेनानायक नुसरत खां मारा गया। ये खबर सुनते ही अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना को लेकर रणथंभौर के दुर्ग को मजबूती के साथ घेर लिया। एक वर्ष की घेराबंदी के बावजूद अलाउद्दीन खिलजी असफल रहा और दूसरी तरफ मेरे शूरवीर साथी दुर्ग के अंदर से शत्रु को जवाब दे रहे थे। इधर अलाउद्दीन एक वर्ष से भी अधिक रणथंभौर दुर्ग को घेर कर बैठा रहा, जिसका फायदा अवध और अन्य रियासतों के राजाओं ने उठाया। उन्होंने अपनी स्थिति और ज्यादा मजबूत कर ली। अब अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली में तख्तापलट की खबर भी सुनने को मिल रही थी। ऐसी खबरों से अलाउद्दीन विचलित हो उठा और उसने निश्चय किया कि वह मुझसे
संधि करेगा। दुर्ग में एक खबर पहुंचती है कि अलाउद्दीन खिलजी संधि करना चाहता है, तो मैंने अपने सेनानायक रतिपाल को संधि के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा। और इधर खिलजी सेनानायक को अपने साथ मिला लेता है और वचन देता है कि अगर रणथंबोर दुर्ग पर मेरा अधिकार हो जाता है तो मैं आपको अर्थात रतिपाल को रणथंबोर का राजा बना दूंगा। सब सुनते ही रतिपाल का ईमान जवाब देना शुरू होता है और वह राज के लिए अपने राजा से गद्दारी करने का अलाउद्दीन को वचन देता है। रतिपाल दुर्ग के अंदर मौजूद रणमल को अपनी ओर मिला लेता है और अब अगली सुबह अलाउद्दीन की सेना दुर्ग पर आक्रमण करती है। तब रणमल और रतिपाल के सैनिक दल अलाउद्दीन की सेना पर आक्रमण नहीं करते हैं और उनको दुर्ग के अंदर घुसने में मदद करते हैं। जब इस बात की सूचना मुझ तक पहुंची तब तक बड़ी संख्या में तुर्क सेना दुर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। तब मैंने और मेरी सेना ने केसरिया करने का निर्णय लिया और अपनी सेना को आदेश दिया कि दुर्ग के दरवाजे खोल दिए जाए। दुर्ग के दरवाजे खोलते ही मेरी सेना ने अलाउद्दीन की सेना पर खतरनाक तरीके से आक्रमण आरंभ कर दिया। इस आक्रमण में तुर्क सेना युद्ध मैदान से भाग खड़ी हुई और भागती हुई तुर्क सेना पर राजपूतों की सेना हावी होती दिख रही थी और चौहानों की सेना ने उनके झंडों को उनसे छीन कर हवा में उड़ाने लगे। उधर दूसरी तरफ दुर्ग में मौजूद महिलाएं इस युद्ध को देख रही थी। उन्होंने आसमान में उड़ते तुर्क झंडों को देखकर अनुमान लगाया कि अमीर देव चौहान उनकी सेना लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो चुकी है और सभी रानियां जौहर कर लेती हैं। यह राजस्थान का पहला जौहर था, परंतु स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। युद्ध के पश्चात जब मैं दुर्ग में प्रवेश करता हूं तो मुझे अपशकुन का अंदाजा हो जाता है और इस सबका जिम्मेदार मैं स्वयं को मानता हूं। और किले में स्थित शिव मंदिर के यहां मैंने स्वयं का सिर काटकर महादेव के चरणों में चढ़ाकर पश्चाताप किया। जब मेरी मौत का पता अलाउद्दीन खिलजी को चला तो वह वापस आकर दुर्ग पर कब्जा कर लेता है। अलाउद्दीन का रणथंबोर के दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। युद्ध मैदान में मौजूद अलाउद्दीन खिलजी का कवि अमीर खुसरो कहता है कि आज कफर यानी काफिर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। और दूसरी तरफ युद्ध मैदान में घायल पड़े मंगोल शरणार्थी मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन के लाया गया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने उसके इलाज की बात की और उसके पूरे तरीके से स्वस्थ करने की बात कही तो उसके जवाब में मंगोल शरणार्थी मोहम्मद शाह ने कहा, अगर तू मुझे ठीक कर देगा तो स्वस्थ होते ही मैं सबसे पहले तेरा कत्ल कर दूंगा। और उसके बाद राजा हमीरदेव चौहान के किसी भी वंशज को रणथंबोर के दुर्ग का राजा बनाऊंगा और ताम्र सेवा करूंगा। इतना सुनते ही अलाउद्दीन ने तलवार के बाहर से मोहम्मद शाह का सिर अलग कर दिया। युद्ध के पश्चात अगली सुबह जब रणमल और रतिपाल अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचे तब अलाउद्दीन खिलजी ने उन दोनों का सिर धड़ से अलग करते हुए ये कहा कि तुम अपने राजा के ही विश्वसनीय नहीं हो पाए तो मेरे विश्वसनीय कैसे हो सकते हो। कल कोई और आक्रमण करने आएगा तो तुम दोनों राज के लिए मेरे विरुद्ध भी खड़े हो जाओगे। इतना कहते हुए अलाउद्दीन ने तलवार के बाहर से दोनों का सिर अलग कर दिया। अधिकार करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग और राज्य बच्चों महिलाओं बूढ़ों आदि का कत्लेआम करवाने लगता है और दुर्ग का जिम्मा उलग खां को सौंप देता है। हमीरदेव चौहान के पश्चात यहाँ के चौहान वंश का अंत हो जाता है। दोस्तों, हमारे इतिहास शूरवीर और बहादुर राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, लेकिन हमेशा किसी न किसी की गद्दारी की वजह से इस देश में विदेशी आक्रांताओं ने अधिकार जमाया है। लेकिन इतिहास के पन्ने हमेशा ऐसे वीरों की वीर गाथाएं दोहराते रहेंगे और इस धरती पर ऐसे वीर पैदा होते रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर करें और ऐसे वीर राजपूत योद्धा के बारे में अपने विचार जरूर साझा करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।